कैसे हो? बढ़िया बढ़िया ईशान, काफी का वेट कर रहे थे। चलो धक्का मुक्की नहीं करो, आराम से आराम से। बोल बम बोल बम बोल बम भाई, क्या और बाकी सब ठीक हो ना? बढ़िया बढ़िया। थोड़ा अंदर हो जाए भाई, एकदम भारी लग रहे हो भाई, एकदम बाहर आके खाने मिला ना। बिग बॉस में खाने नहीं देते थे, अब खाने मिला। सब देख रहे हो कि नहीं बिग बॉस? देख रहे हैं भाई, हम देख रहे हैं। सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, मेरे बहुत दोस्त लोग हैं अंदर। सर आप किसको कर रहे सपोर्ट? मैं एक को नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे तो मेरे रिश्ते सभी से अच्छे थे, सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, पर मेरा टॉप थ्री जो पहले ही बोल रहा था मैं, तेजस्वी, शमिता, करण, जंगलवासी हैं और शमिता अक्का है, बहन है, तो ये तीन कोई भी जीते। ये मेरी गाड़ी गोल घुमा के ओपन। आप और आज बाहर आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे और बिग बॉस के जर्नी के बाद लाइफ किस तरह से है? यार मैं बहुत कम दिखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरा काम दिखे। जब काम दिखता है तो खुद दिखने की ज़रूरत नहीं होती। बिग बॉस का सफ़र बहुत अच्छा रहा अपन के लिए, बहुत मज़ा आया। जब तक था डट के खेला और जब निकला उसके बाद भी अपन की बातें होती रही तो अच्छा लगा। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्ते बनाए। शमिता का अंदर है अभी तक, करण है, तेजा है, सब मेरे दोस्त हैं। बाहर आने के बाद थोड़ा आराम किया, थोड़ा खाया पिया, थोड़ा बॉडी बनाए और उसके बाद एक बहुत बड़ा काम जो अधूरा था वो आने वाला है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। एक म्यूज़िक वीडियो है जो एक ऐसे दोस्त के साथ किया था जो अब नहीं है, जिसके बारे में मैंने घर के अंदर भी काफ़ी बातें की थी। दिल के बहुत करीब है उसके और मेरे दोस्ती के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और हमारी दोस्ती इंडस्ट्री से नहीं है, अल्टामाउंट रोड और दगड़ी चाल से। हम लोग ग्लैडराक्स में भी साथ में थे, नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि आप खुद देख लीजिएगा। तो वो काम पूरा किया, थोड़ा पैशोक बचा था। एक वीडियो है जो हमने 2019 में किया था, उसके बाद कोविड आ गया और रिलीज़ नहीं हुआ। और मैं नहीं चाहता था कि जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर रहूं तब वो रिलीज़ हो, ताकि लोग बोलें कि यार ये तो थोड़ा सा फुटेज के लिए और फेमस होने के लिए कर रहा है। मैं बाहर आया, वो पूरा किया और जल्दी वो आपके सामने आएगा। बहुत बड़ा वीडियो है और सबको इंतज़ार है उस वीडियो का। अंदर भी मैंने उसके बारे में बातें की, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा बाहर आने के बाद कब आ रहा है, कब आ रहा है वीडियो, ट्विटर पे ये वो। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता, जो बोलता हूँ दंके की चोट पर और दिल से बोलता हूँ, बोल बम बोल कर बोलता हूँ, और आप लोगों ने वो देखा ही होगा। तो वो काम है जो जल्दी आप सबको दिखेगा, और फोटो फिट म्यूज़िक कंपनी है और आप, तो बाकी कुछ आपका नहीं बता। जो एक रिलेशन था शमिता जी के साथ और आपका काफ़ी अच्छा था अन्ना अक्का का, उस रिलेशन में किस तरह से बिग बॉस की जर्नी में वो रिलेशन देखते हो आप? बिग बॉस की जर्नी में सिर्फ वो रिलेशन इस तरह से देखता हूँ कि मुझे वो रिलेशन बिग बॉस की वजह से मिला, लेकिन गेम के लिए रिश्ते नहीं और रिश्तों के लिए गेम नहीं। तो शमिता मेरी बहन है और हमेशा रहेगी, बाहर आने के बाद भी रहेगी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो अच्छा खेल रही है यार वो, उम्मीद करता हूँ कि टॉप थ्री तक आएगी। जीतना ना जीतना अब उसकी मेहनत और किस्मत पर है। जैसे मैंने कहा, मेरे टॉप थ्री अब भी है तेजस्वी, शमिता और करण, उनमें से कोई भी जीते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनमें से ही जीते तो बड़ी खुशी होगी। और हाल ही में जो उमर रियाज का इवेक्शन था, काफ़ी चर्चा हुई, उसमें 17 मिलियन ट्वीट्स आए और उसमें था कि उमर रियाज ही विनर है हम लोग के लिए। सो आपको क्या लगता है, क्या वो बायस डिसीजन था जो बिग बॉस ने लिया? क्योंकि करण कुंद्रा ने भी धक्का दिया था प्रतीक को, उसमें कुछ नहीं हुआ, बट उमर रियाज को सीधा इवेक्ट कर दिया। एक बहुत पुरानी कहावत है जो महात्मा गांधी जी ने कही है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। सो अगर मैंने खून किया और तुमने खून किया तो सबसे बड़ा खूनी कौन? खूनी तो दोनों ही है ना। तो ये बात कि अगर करण कुंद्रा ने किया तो उसे क्यों नहीं निकाला, इस बात पे ये बहस नहीं हो सकती कि अरे उसने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर तो वो बिग बॉस नहीं महाभारत बॉस हो जाएगा, है ना। उमर रियाज बहुत ही कमाल खिलाड़ी है, मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है, और मैंने ये भी कहा था बाहर आने के बाद कि आई सी उमर रियाज एज अ विनर, और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर वो होता गेम में तो ही वुड ऑल्सो हैव बीन इन माई टॉप लिस्ट। पर बायस नहीं है यार, पब्लिक वोटिंग है। अब हर कोई बाहर आकर ये बोले कि बायस्ड है, ये नहीं होना चाहिए था, तो बुरा लगता है यार, मुझे भी बुरा लगता है उमर के लिए, लेकिन जो डिसीजन है वो तो है। अगर हम बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस पर भरोसा कर जाते हैं, मेकर्स पर भरोसा कर जाते हैं, तो उनके डिसीजंस पर भी भरोसा करना चाहिए। बाकी उमर रियाज खुद बहुत कड़क खिलाड़ी है, वो बाहर आकर भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा। डॉक्टर साहब, मैंने हमेशा कहा है कि डॉक्टर साहब दिमाग के गर्म पर दिल के नरम है, तो कर ही ले आया। पर उसका डिसीजन जो था वो बिल्कुल सही था, और एग्रेशन किसी भी तरह का
पहला रूल है बिग बॉस के घर के अंदर, एग्रेशन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अब इसने किया तो मैं भी करूँगा, उसने किया तो मैं भी करूँगा, वो नहीं चलता। आपने एग्रेशन किया, पब्लिक ने आपके लिए वोट किया और आप बाहर हो, पर बाहर भी आप कमाल करोगे उमर, बोल पाम। थैंक यू सो मच सर।